Hey guys, उसे भाई मैसेल फरबाज खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू गाइज नो द वाइब्स। तो आज 1 दिसंबर और आज आने वाला ततास्तु, जो कि मेरे भाई का शो और जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, भाई के लिए भी स्पेशल है क्योंकि ये लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। और मैं और मेरे मम्मी पापा हम लोग देखने वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और भाई ने मम्मी पापा को ना देखने दिया लाइव और ना ही एडिट के टाइम देखने दिया। मैंने 2-3 बार से ज़्यादा लाइव देखा हुआ है, पर स्टिल वो एक्साइटमेंट अभी भी है और इस पे देखने की। तो मेरे साथ देखते हैं और मम्मी पापा का रिएक्शन चेक करते हैं। एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। देखेंगे जब तसल्ली होगी मेरे दिल का। आपको? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि देखने दिया नहीं जाके, 2 साल हो गए। जब भी लाइव देखने की कोशिश करी, नहीं पापा आप रहने दो। और लोग तारीफ करते थे, अगर ततास्तु नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, तो और वही मैं नहीं देखने दे रहा था। इतनी देर पे ट्रेंडिंग भी कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। आज हम देखेंगे, दिल से देखेंगे। चलो तैयार हो आप? बिल्कुल तैयार, आप जल्दी लगा दो बस। चलो गाइस, मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज ज़ाकिर खान। जिसको इतनी देर देख रहा था। हम सुबह ही बात कर रहे थे दोनों। क्या डेढ़ घंटे तक ऐसे बात? अपन लोग तो एकदम फर्स्ट हैंड है ना, अपन लोग अपने तो है, वो परिवार के मेंबर है ना, बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। पूरे सीन सामने आ गए सारे के साथ। ये कहानी सुना कि आना और ये मेंटली कितना वो है यार, कैसे कंट्रोल, खुद कैसे कंट्रोल करता होगा अपने आप को। एंड कैसा लगा आपको? ओह गजब, जादू है उसमें, एंड तो जादू है। कहीं कुछ बात करके फिर वापस वहीं आना। अच्छा, मम्मी को कैसा लगा? अच्छा लगा भाई, मजा आई है। रोना जाना है। कितना भी कंट्रोल कर नहीं हो, मैं तो देख कर खुश हो गई। रोना भी आया और अच्छा भी लग रहा था। रोना भी आया और अच्छा भी लग रहा था। 20-25 साल की यादें जुड़ी हुई है मेरी उनसे, नहीं तो उनकी खिदमत करी मैंने। तो छोटा सा ना जब ही कहता था, अब्बा जी मेर से प्यार नहीं करते। वही कहती थी, नहीं बेटा वो दादा है तुम्हारे। एक जिंदगी थी आदमी की, उसके अंदर एक जीवन था, उसके अंदर जीवन का संघर्ष था उसके अंदर, और एक सीख भी थी कि जॉइंट परिवार क्या होता है, कैसे सब लोग। कॉमेडी भी थी, इमोशंस भी थे। एक कहानी है अब्बा जी की। तो अब्बा वो उज्जैन में जो होता था ना कुंभ का मेला, 20-25 दिन बजाना था उसमें। तो जाकिर की 12वीं 11वीं की परीक्षा थी और वो परीक्षा देने भी जाता था और अब्बा के साथ रात को जाता था, फिर आता था, फिर सुबह स्कूल भी जाना रहता था। तो कई बार उसको है ना पेपर देते देते उसको नींद आ जाती थी, तो आके बोलता था, माँ पापा बोल देते हैं अब्बा के साथ जाना, मेरे पेपर चलने में मुझे नींद आती है। पेपर तो मैं कहती थी, बेटा दिन में सो लिया था थोड़ी देर, क्योंकि अब्बा 6 बजे चले जाते थे और सुबह आते थे और उसको स्कूल जाना पड़ता था। क्या बताऊं यार, कि मुझे इतना प्राउड फील हो रहा कि तू मेरा बेटा है। मैं ऐसा बेटा है मेरा, इतना बहुत अच्छा जाएगा भाई। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज भाई। Let's go.